गुड इवनिंग कैसे हो आप लोग सब सो वेलकम टूर फाइव हंड्रेड एंड फाइव जीरो नेक्स्ट लेक्चर आज का जो है वो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एस ए नंबर फाइव जीरो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एस नंबर 505 वेरी इंपॉर्टेंट एस राइट सो so, एकदम अच्छे से ध्यान से मन लगा के इसको सुनिएगा राइट सो लेट्स स्टार्ट सो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट एसे नंबर फाइव जीरो करता है अबाउट वॉट इट टॉक्स अबाउट एक्सटर्नल कन्फर्मेशन सो आपको ये एकदम अच्छे से ध्यान से समझना है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ये स्टैंडर्ड के बारे में ठीक है सो so, इस स्टैंडर्ड का टेक्स्ट पढ़ने के पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग इस स्टैंडर्ड की करेंगे ठीक है जो आपको समझ में आनी चाहिए वो बहुत जरूरी है उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं ये स्टैंडर्ड को आगे बढ़ पढ़ सकते हैं राइट सो so, एस ए फाइव जीरो फाइव नाम नंबर इंपॉर्टेंट एस ए फाइव जीरो फाइव सिंपली हम लोग क्या कहेंगे इसको मेरे बुक में कितने हैं पांच बराबर यहाँ पे ये एक विंडो है करेक्ट है इस विंडो से बाहर जाएंगे और बाहर वाले से पूछेंगे कि ओ भैया हाउ मच इट इज देयर इन योर बुक्स तो वो बोलेगा मेरे भी बुक्स में पांच है सो so यहां पे हम कहते हैं मेरे बुक्स में पांच आपके बुक्स में पांच हो गया ऐसे नंबर पांच हमने ये बाहर वाले पार्टी से इस थर्ड पार्टी से हमने क्या कर लिया बच्चों कंफर्मेशन कर लिया सो so यहां पे थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन करना पूछना है कि जो भी हम लोग कन्फर्म करना चाहते हैं वो हम लोग उससे पूछेंगे वो कन्फर्म करके दे देगा सो so, बस अब इसके तौर तरीके कैसे होते हैं यह स्टैंडर्ड में दिया गया है सो so, बच्चो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन की जब हम लोग बात करते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी एक क्या है बच्चों एविडेंस ऑप्टेन करने का तरीका है इट इज ऑडिट एविडेंस इट इज ऑप्टेन ऑडिट एविडेंस वे टू ऑप्टेन ऑडिट एविडेंस परफेक्ट एकदम ट्राई टू अंडरस्टैंड जो हमने एस ए फाइव हंड्रेड में पढ़ा था एज पर एस ए फाइव हंड्रेड

एज कंपेर टू किसके कंपेरिजन में इंटरनल एविडेंस राइट सो एज कंपेयर टू इंटरनल एविडेंस सो आप समझो ऑडिटर को हमेशा रिलायबल एविडेंस ऑप्टेन करना है रिलायबल एविडेंस ऑप्टेन करना है तो ऑब्वियसली उसे जो सबसे ज्यादा रिलायबल एविडेंस है वह कौन सा है बच्चों एक्सटर्नल एविडेंस सो एक्सटर्नल एविडेंस को ऑप्टेन करने का जो एक तरीका है वो है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन आई बात समझ में यस yes. सो so अब हम लोग, जो हम लोग मांग रहे हैं वो क्या होता है सो अस से यहां पे ऑडिटर है ठीक है ये आपका क्लाइंट है ठीक है और ये इस क्लाइंट के से, मतलब अपने लिए ये कौन हो गया बच्चों थर्ड पार्टी सो इन थर्ड पार्टी से क्या होगा हम पहले क्लाइंट का परमिशन लेंगे व्हाट वी वी विल विल डू टेक द क्लाइंट्स परमिशन फर्स्ट दैट वी वांट टू कम्युनिकेट विद द थर्ड पार्टी वी वांट टू ऑबेन एविडेंस फ्रॉम दिस थर्ड पार्टी सो क्लाइंट जब आपको परमिशन देगा दो बातें होगी यहाँ पे एक तो क्लाइंट आपको परमिशन नहीं देगा या तो क्लाइंट आपको परमिशन देगा जब क्लाइंट आपको परमिशन देगा तब जाके आप क्या करोगे ये थर्ड पार्टी से आप क्या करोगे बच्चों आप कंफर्मेशन उन्हें आप दोगे जब क्लाइंट आपको परमिशन देगा तब सो तो आप क्या करोगे जब क्लाइंट आपको परमिशन दे देगा आप इस थर्ड पार्टी से कम्युनिकेट करने जाओगे तो सबसे पहले आप एक कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट ड्राफ्ट करोगे क्या करोगे आप कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट आप बनाओगे कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट में आप लिखोगे कि बाबा क्या आपको कंफर्म करना है व्हाट टू कंफर्म बराबर के नहीं आप उसके अंदर लिखोगे फ्रॉम हुम टू कंफर्म एंड देन फिर आप लिखोगे द रिप्लाई आपको कैसा चाहिए रिप्लाई इन द सेंस कंफर्मेशन रिक्वेस्ट दो टाइप की होती है एक होती है negative confirmation request, और दूसरी होती है पॉजिटिव सुनना। स्टैंडर्ड में क्या हो रहा है ये बेसिक थीम पढ़ा रहा हूं मैं अभी आपको ठीक है ना ये स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है कि क्या कर रहे हैं हम लोग मैंने कहा कि हम लोग ऐसे फाइव जीरो इट इज एन एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस करेक्ट है ना एस ए फाइव हंड्रेड बोलता है एक्सटर्नल है सो एज एन ऑडिटर विल बी एमिंग टू ऑप्टेन मोर एंड मोर ऑफ एक्सटर्नल सो एक्सटर्नल यहाँ पे कन्फर्मेशन के थ्रू लेना है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं जो अपना क्लाइंट है इस क्लाइंट को हम लोग पहले इससे परमिशन लेंगे कि जो ये थर्ड पार्टी से जिसके साथ आपका ये क्लाइंट डील करता है हम इन थर्ड पार्टीज के साथ हम लोग कुछ बात करना चाहते हैं हम उनसे कुछ इंफॉर्मेशन कंफर्म करना चाहते हैं टर्म्स ऑफ दीमेंट एनीथिंग जो आपकी मर्जी हो यू कैन द बैलेंस कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन एनीथिंग वॉट यू वॉन्ट टू कन्फर्म फ्रॉम होम टू कन्फर्म आप डिसाइड करोगे कौन से पार्टी से वो इंटेंडेड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी एंड फिर आप उन्हें रिक्वेस्ट भेजोगे मतलब उनका रिप्लाई कैसे आएगा सो so रिक्वेस्ट होगी उनको इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट और पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट बात समझे आप लोग सो वेन वी टॉक अबाउट नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट मतलब कि वेन

दे, अग्री और नॉट बैलेंस इज इवन दो दे अग्री और नॉट स्टिल रिप्लाई तो इसे हम लोग क्या कहेंगे पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए ट्रू एंड फॉल्स के लिए सो हम लोग क्या कह रहे हैं नेगेटिव कंफर्मेशन जब भाई अग्री नहीं करता हो ना तभी रिप्लाई करना जब अग्री नहीं करता होगा

जो अगर अपनी लार्ज है तो हम लोग नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि सबका रिप्लाई आएगा तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगी वापस अपना ही काम बढ़ेगा कि सबको चेक करना है कि अब किसका बैलेंस मैच होता है नहीं होता है सबके लेटर पढ़ते बैठो समझ रहे हैं मेरी बात को सो दैट इज वॉट वेन वी यूज द नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट कब यूज करते हैं एक तो पॉपुलेशन अपना जो होगा वेरी गुड यू गेस्ट इट राइट कि अगर ये स्मॉल होगा तो बट ऑन अदर हैंड आप ये कब और यूज कर सकते हो सो यू कैन यूज यूज इट ईदर वेन द बैलेंसेस आर वॉट वेरी मटेरियल जब कोई बैलेंस मटेरियल है अपने को लगता है कि नहीं इसका कंफर्मेशन तो होना ही है किसी भी हालत में मैच करता हो नहीं करता हो वही रिप्लाई होना है इसका इसका कंफर्मेशन आ जाना चाहिए तो वी यूज वॉट पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सर सवाल ये है कि क्या हम लोग ये दोनों मेथड्स का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं क्या सो so, यस yes, मतलब हम लोग इसका कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं मतलब हम लोग कॉम्बिनेशन में कैसे किसी को पॉजिटिव भेजेंगे किसी को नेगेटिव भेजेंगे ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि किसी लोगों को कोई डेटा है तो किसी को पॉजिटिव भेज दिया किसी को नेगेटिव यस इट इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन व्हाट द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आई बात समझ में आपको yes सो so, इस कदर आप इन्हें कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आप भेजेंगे फिर आपका क्लाइंट जो होगा मतलब आपका क्लाइंट का थर्ड पार्टी मतलब सो so ये इसका रिप्लाई आएगा अपने को सो ही विल सेंड अस द रिप्लाई सो वी शुड मेक श्योर कि दिस रिप्लाई डायरेक्टली रिसीव्ड टू द ऑडिटर, ये रिप्लाई किसको आना चाहिए डायरेक्टली दिस रिप्लाई शुड कम टू इट शुड कम डायरेक्टली टू शुड नॉट कम वाया क्लाइंट अपने पास डायरेक्ट रिप्लाई आना चाहिए बराबर के नहीं तो so, ये बात है इसके अंदर एनी डिफिकल्टी डियर बोलो बच्चों नहीं वेरी गुड सो ये बातें यहां तक हमने एक बेसिक थीम हमने समझ लिया सो क्विक रीकैप एसए505 इट टॉक्स अबाउट एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज वन ऑफ द वे टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस एसए500 ने कहा था कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज मोर रिलायबल So, हम लोग कहां फोकस कर रहे हैं एक्सटर्नल है, तो सबसे पहले आपको किसका परमिशन लेना पड़ेगा उन्हें रिक्वेस्ट भेजेंगे राइटिंग में बराबर के नहीं और जब उसका रिटर्न रिस्पॉन्स आएगा वो हमारे लिए होगा कन्फर्मेशन बराबर अदरवाइज इट विल जस्ट एन इंक्वायरी सो जब हमें कन्फर्मेशन आएगा हम वो अपना एविडेंस अपने को मिल जाएगा बट उसको करने का तरीका कैसा है सो नंबर वन आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए किससे वो इंफॉर्मेशन चाहिए फिर आपको कैसे रिक्वेस्ट भेजेंगे वो वो आप डिसाइड करेंगे फिर आपको आपको रिप्लाई रिप्लाई आएगा डायरेक्टली आना चाहिए कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने के दो तरीके हैं कौन से है वो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एंड नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होता है जब बैलेंसेस दे डू नॉट देखो नेगेटिविटी है ना इसके अंदर अपने पास आना ही चाहिएस्टैंडिंग अइडिया अबाउट वॉट एक्सैक्टली एस ए फाइव जीरो बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है ये इसके अंदर एमसीक्यू कुछ आएंगे तो वो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे आ सकते हैं वो सो एक्सटर्नल कंफर्मेशन

ये अपना कवर होता है लिटिगेशन एंड क्लेम अंडर वॉट एस ए नंबर फाइव जीरो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू या ट्रू एंड फॉल्स के लिए बकायदा दिया हुआ है इसके अंदर हम्म उसके बाद एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर टू ऑप्टेन ऑडिट एविडेंस तो आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करनी है लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड जैसे हमने अभी पढ़ लिया था इसको क्या कहते हैं कि एस इट्स सोर्स वेरी गुड एंड बाई नेचर हमने वो देखा था पिछले लेक्चर में कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंस डिपेंडिंग अपॉन नेचर डिपेंडिंग अपॉन सोर्स डिपेंडिंग अपॉन नेचर क्या बोला था अपन ने डिपेंडिंग अपॉन नेचर विजुअल ओरल डॉक्यूमेंट्री एंड सोर्स के हिसाब से क्या बोला था इंटरनल एंड एक्सटर्नल सो द रिलािटी इज वेरी अपॉन द इंडिविजुअल सरकमस्टेंसेज सो दल्सो इंक्लूड जनरलाइजेश तो वो क्या कहते थे कि इट इज मोर रिला गया हा इट इज मोर रिलान इट इज ऑप्टेन फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेस आउटसाइड दी वेन वी से आउटसाइड दी मतलब हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं ट्री तो में है तो वो और रिलायबल है फिर हमने और सिचुएशन देखे थे वो अगर ओरिजिनल है तो और रिलायबल है फोटो तो कॉपीबल नहीं है ऐसी कुछ अपनी बात हुई थी अकॉर्डिंगली सर्कमस्टेंसेज मतलब स इन sources रिसीव डायरेक्टली ऑडिटर को मिलता है documentary फॉर्म में तीन चीजें यहां पे हो रही है ना अपन ने क्या कहा था कि रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस कैसे चेंज होता है so, sir, reliability सबसे ज्यादा रिलायबल कब होगा एक तो वो एक्सटर्नल होगा तब सेकेंड अगर वो ऑडिटर ने खुद से ऑप्टेन किया है तो ऑडिटर ऑप्टेंस डायरेक्टली बाय हिमसेल्फ राइट एंड इट विल बी मच मोर रिलायबल कब व्हेन इट इज ऑप्टेंड इन विच फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्री सो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में रहेगा तो अब आप अगर देखोगे तो ये तीनों चीजें आपको किसके अंदर दिखती है एक्सटर्नल कंफर्मेशन अब ध्यान से सुनना ये आपका एमसीक्यू का और एक पॉइंट बनेगा आपका एक्सटर्नल कंफर्मेशन में कौन सा फीचर मिलता है आपने को एक्सटर्नल कंफर्मेशन में विच फीचर डू वी फाइंड सो कौन सा फीचर है वो सो इट इज एक्सटर्नल रिलायबल ज्यादा है डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है आउटसाइड एंटिटी से मिला है एंड लास्ट में क्या कहेंगे दी ऑडिटर हैज डायरेक्टली सिंपल है एकदम यस yes. सो so, ये बात हो गई अपनी एक्सटर्नल कंफर्मेशन की सो इट हैज़ गॉट ऑल दिस फीचर्स सो अपना जो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे वो क्या होगा ऑल ऑफ वेरी गुड जी आगे बढ़ते हैं अदर द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन दिस इज वन अनदर क्वेश्चन जो आपको एमसीक्यू में पूछेगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज डेल्ट विद एस ए फाइव जीरो बट विच अदर एसेज ऑल्सो टॉक अबाउट एक्सटर्नल कंफर्मेश बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सो so आपको एक ध्यान में रखना है कौन से कौन से एसेज बात करता है एक तो एस एर उसके बाद एस ए टू फोर्टी एंड देन वी है फाइव हंड्रेड रिमेंबर दीज थ्री एसेस दे टॉक अबाउट एक्सटर्नल कन्फर्मेशन इम्पॉर्टेंस वाई वी शुड ऑप्टेन इट इज स्टेटेड अंडर दीज एसेज ऑल्सो इन एसेस के बलबूते पे ही तो एस ए फाइव जीरो आया ना फिर सो ध्यान में रखना एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज़ नॉट डील और डज़ नॉट टॉक अबाउट और डज नॉट रेकनाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन विच ऑफ द्री थर्टी येग्नाइज एस ए टू फोर्टी येग्नाइज एंड एस नंबर फाइव हंड्रेड इट ऑल्सो रेकग्नाइजेज तो कभी आपको वो कंफ्यूज करने के लिए एस ए फाइव एट्टी के बारे में बोल देंगे सो ऑड वन आउट आपका कौन सा हो जाएगा एस ए फाइव एट्टी रिमेंबर बिकॉज थ्री थर्टी टू फोर्टी फाइव हंड्रेड देनाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ वट एक्सटर्नल कन्फर्मेशन नो अदर एस ए रिक्नाइजेज द इंपॉर्टेंस ऑफ एस ए फाइव जीरो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये एक या दो नंबर में पूछा जा सकता है सो बी वेरी केयरफुल यस सर सो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं सो विच एस एस रिकोगनाइज तो ये थ्री थर्टी में थ्री थर्टी में पूरा अपन ने स्टैंडर्ड पढ़ लिया था जिसमें अपन ने कहते हैं कि वी हैव टू डि रिस्पॉन्स टू दी असिस्ट रेस्ट बराबर अपने को सबस्टैंडिव प्रोसीजर्स करने हैं सो so इन बातों में अगर ध्यान रखे तो हमको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं एंड हमको उसका नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड डिसाइड करना है विच आर रिस्पॉन्सिव टू दसेस्ट रेस्क विच इज एसे थ्री थर्टी So, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि ऑडिटर इज आल्सो रिक्वायर्ड टू कंसीडर वेदर एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर सो यह बात करता है उसके बाद वो साथ ही साथ ये भी कहता है कि आपने ये कब ऑप्टेन करना चाहिए एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ऑब्बियसली वेन हाई राइट 240 फोर्टी इंडिकेट दैट ऑडिटर में डिजाइन कंफर्मेशन रिक्वेस्ट to obtain corroborative information as response to address the risk of material misstatement whether due to fraud at the assertion level corroborative ka matlab kya hai more confirming barabar ke nahi more confirming corroborate karna matlab kya confirm karna aur obviously confirm karna iske liye to hum log confirmations bhej rahe hain sa 500 indicates that corroborating evidence obtained from a source independent of an entity तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था।

तो कैसे सबसे पहले अपन ने क्या करना है सो यू हैव टू डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म आपको क्या कंफर्म करना है जैसे हमने कहा था कि आपको कुछ अमाउंट कंफर्म करनी है क्या आपको किसी का लेजर बैलेंस कंफर्म करना है क्या आपको कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कंफर्म करना है क्या आपको कोई पर्टिकुलर टर्म्स कन्फर्म करना क्या इट इज कंप्लीटली योर कॉल कुछ भी कंफर्म कर लो आप इंफॉर्मेशन आपको पहले डिसाइड करना है फिर वो इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली कौन से पार्टी के पास मिलेगी उस पार्टी को आप सिलेक्ट करो करेक्ट फिर उसके बाद आप आपका कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आप डिजाइन करो कहा था पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एंड नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बोलो यस और इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग द रिक्वेस्ट दैट आर प्रॉपरली एड्रेस्ड एंड कंटेन सुनना रिटर्न इंफॉर्मेशन फॉर द रिस्पॉन्स टू बी सेंड डायरेक्टली टू दिप्लाई इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए मतलब इसमें एड्रेस ऑडिटर का होना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन वापस से घूम के अपने पास आ जाए डायरेक्टली ऑडिटर को ये क्लाइंट के थ्रू नहीं आना बराबर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो ऐसा कंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट बनाना एंड देन आपने फिर क्या करना है फिर आपने वो रिक्वेस्ट को भेज देना है रिप्लाई आपको क्या करना है नहीं आया तो आपको फॉलो अप करना है बट ऑब्वियसली आपको फॉलोअप कब करना पड़ेगा यहां पे लिखा है वेन एप्लीकेबल सो वेन इट विल बी एप्लीकेबल सो सर इट विल बी एप्लीकेबल ओनली एट द टाइम ऑफ वॉट पॉजिटिव रिक्वेस्ट पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के टाइम पे क्योंकि नेगेटिव के केस में आप समझो आपने क्या बोला नेगेटिव के केस में नेगेटिव के केस में क्या बोला बैलेंस मैच करते नहीं होंगे तो रिप्लाई करना अब अगर मान लो उसमें बैलेंस अग्री करते होंगे तो वो रिप्लाई नहीं करेगा ना और आप उसको फॉलो अप करोगे ए भाई रिप्लाई देना रिप्लाई देना चलेगा क्या ऑब्वियसली नहीं चलेगा सो so, इसीलिए पॉजिटिव रिक्वेस्ट होगा व्हेन एप्लीकेबल सो so, फॉलो अप तभी होगा सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कैन बी आस्ट समवेयर अगर पता नहीं तो मालूम होना चाहिए बट कि फॉलो अप इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल कुछ भी बोलेंगे आपको राइट ओके right? okay. फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं अबाउट मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट जैसे आपको याद होगा जैसे हमने आज का लेक्चर शुरू किया था ये स्टैंडर्ड को एक्चुअली हमने पढ़ना शुरू किया था कुछ एक बीस मिनट पहले अपनी बात हुई थी सो मैंने कहा था कि आपको ये पूरा पूरा जो काम करना है ये कैसे करना है आपको आपको क्लाइंट की परमिशन लेनी पड़ेगी मैनेजमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी कि साहब क्या हम लोग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को डिजाइन करें भेजें प्लीज एस नो सो आपको परमिशन मिला ना तो आप ये सब आगे का काम कर पा रहे हो बट सर आपने तो कहा ही नहीं कि परमिशन अगर मैनेजमेंट ने नहीं दिया तो क्या करना तो वो अभी डिस्कस करेंगे अपन मैनेजमेंट ने परमिशन नहीं दिया तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू वेरी क्लोजली ऐसा नहीं नहीं दिया ठीक तो है चुप बैठे रहेंगे नहीं करेंगे रहें, ओके ऐसा नहीं चलेगा आप, आपको क्या करना पड़ेगा आपको तो रिफ्यूज किया है आपको सो उस केस में आपको और कुछ आगे एक्टिविटी करनी पड़ेगी आप ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते ओके नहीं दिया तो ठीक है चलेगा सो ऐसे केस में हम क्या करेंगे दोस्तों आइए देखते हैं

क्यों मना कर रहे हो क्या प्रॉब्लम है भाई ऑडिट एविडेंस लेना है रिलायबल चाहिए देना है उनको उनसे बात करना है वो बोलता है नहीं सर देखो ऑलरेडी अभी हमारा मैटर डिस्प्यूट में है सही बात है ना अब वो मैटर अगर डिस्प्यूट में है तुम कंफर्मेशन रिक्वेस्ट उसको भेज दोगे वो बोलेगा कि नहीं नहीं हाँ मतलब मैनेजमेंट को भी लग रहा है तो हमको सर कहीं प्रॉब्लम हो सकता है वो आप समझो बात को हम आपको नहीं भेजने दे सकते अभी आपको कुछ और करना पड़ेगा बट ये तो नहीं कर सकते अच्छा ऐसा है क्या डिस्प्यूट पेंडिंग है इसके लिए नहीं भेजने दे रहे हो ठीक है सो so फिर मैं क्या करूँगा मैं उन्होंने बोल दिया और मैं सुन लेगा ऐसा नहीं करेगा मैं जो वो बोल रहे हैं क्या वो सच बोल रहे हैं क्या ये मुझे एस्टेब्लिश भी तो करना पड़ेगा ना सो व्हाट आई विल डू मैं वो वैलिडिटी चेक करेगा कि सही में ऐसा कोई डिस्प्यूट है क्या एंड उसका इम्पैक्ट होने वाला है क्या सही में वो भी मैं करेगा कि जो वो बोल रहे हैं हैं वो रीजनेबल बोल बोल रहे नहीं बोल रहे नहीं आई बात समझ में सो so तो रीजन पूछेंगे क्या बराबर वो चेक करूंगा वो रीजनेबल है क्या वो चेक करूंगा राइट right? ओके okay. उसके बाद अब मैनेजमेंट ने आपको मना किया तो उसका इंप्लीकेशन क्या होगा

टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ये कैसा है अनरीज़नेबल है, है, है साहब तो उस ऑडिटर इज अनेबल भी है एंड मोर ओवर इज अनेबल टू ऑप्टेन एविडेंस फ्रॉम आल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स उनके प्पा लोगों को कम्युनिकेट करेगा ट इट टू दोस्ट चार्ज विद गवर्नेंस एंड अगर उसके बाद भी नहीं तो देख वो क्वालिफाइड यान देगा एग्जाम में, में डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वॉट इज द इम्पैक्ट ऑन दोसिजर और हाउ विल यू डील विद वॉट द मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउ दी ऑडिटर टू सेंड कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट इसको केस स्टडी में बना सकते हैं आपके लिए केस स्टडी में उसको क्या बोलेंगे कि यू आर अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ एबीसी लिमिटेड हुज मैनेजमेंट रिफ्यूज टू सेंड द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू वन ऑफ हिज क्लाइंट्स व्हाट विल यू एज एन ऑडिटर डू इन द गिवन सिचुएशन और इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस ऐसा आपको एक क्वेश्चन आएगा सो so अपन को पूरा पूरा ये लिखना है कि पहले तो रीजन लेना है रीजन का वैलिडिटी और रीजनेबलनेस टेस्ट करना है फिर हम लोग क्या करेंगे अपना ऑडिट प्रोसीजर्स रिस्क कितना है वो उसको एस्टेब्लिश करेंगे और हम लोग अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेंगे फिर अगर हम लोग को लगता है कि वो अनिजनेबल है और अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स से हमको एविडेंस भी नहीं मिला दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तब जाके हम लोग टीसीड को कम्युनिकेट करेंगे एंड फिर डिसाइड करेंगे हमको क्या अपना ओपिनियन देना है वेरी सिंपल आंसर जी आगे रिजल्ट्स ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स Reliability of responses to confirmation request. If the auditor finds out, if the auditors of identifies that is finds out the factors that give rise to doubt about the reliability of the response to confirmation request, the auditor shall obtain further audit evidence to resolve those doubts. Obviously. What let us say I'm looking confirmation mangreet, let us say a uh, डेटर से बराबर वो डेटर ने कंफर्मेशन देना चाहिए मतलब उसके अकाउंटेंट ने कंफर्मेशन देना चाहिए बट अकाउंटेंट के जगह पे कोई अदर पर्सन अदर पर्सन गिव कंफर्मेशन मतलब उसके ही ऑर्गेनाइजेशन में का कोई दूसरा व्यक्ति अस से कैशियर गेव द कंफर्मेशन कैशियर गेव द कंफर्मेशन अरे यार क्या पागलपन है उसको क्या मालूम रहेगा कैशियर को सही है ना अपन तो डेटर वो अकाउंटेंट देखता है ऐसे। सो so, इसके लिए अपने को उस एविडेंस पे क्या आया डाउट आया सो so, हम लोग उस डाउट को सॉल्व करने के लिए और कुछ एक्टिविटी करेंगे राइट इफ द ऑडिटर डिसाइड्स दैट इट इज नॉट रिलाएबल बराबर के नहीं देन अगेन वो उसके इंप्लिकेशंस उसके रिस्क के ऊपर क्या होगा उसको एस्टैब्लिश करेगा राइट So, ये अपने को दो बातें देखनी है कि अगर रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट आया, Next, non -response. Non -response मतलब आया, so, आया तो नेक्स्ट नॉन रिस्पॉन्स नॉन रिस्पॉन्स मतलब रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इज नेसेसरी कब जरूरी सो इफ द ऑडिटर डिसाइड्स दैट इट इज नेसेसरी टू ऑपटेट अप्रोप्रियट ऑडिट एविडेंस टू पॉजिटिव कंफर्मेशन अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स विल नॉट प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस दी ऑडिटर रिक्वायर्स एंड इफ दी ऑडिटर नॉट ही बोलता है, मेरे को आना और कोई नहीं है नहीं आया तो मॉडिफाइड एक्सेप्शंस मतलब क्या है बच्चों जो आपने मांगा था और जो आपने पाया है जो आपने मांगा था जो आपने पाया है, आपने आपने पाया है उस बीच में की सब मोमा है ऐसा नहीं है सो वॉट यू आस्ट वॉट यू रिक्वेस्टेड माइनस वॉट यू एक्चुअली रिसीव बराबर इसको हम लोग कहते हैं क्या एक्सेप्शन या हम लोग कह सकते हैं डिफ्रेंस या डेविएशन राइट सो आपको देखना है कि वो जो एक्सेप्शन है वेदर दे आर इंडिकेटिव ऑफ अस्टेटमेंट कुछ जान बुझ गलत हुआ है किसी के अंदर वो आपको स्टेब्लिश करना है नेक्स्ट नेगेटिव देखो सब पढ़ लिया है अपना खत्म हो गया स्टैंडर्ड वेरी इजी नेगेटिव कन्फर्मेशन पॉजिटिव में बाबा कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है ना कि सब रिप्लाई कर रहे हैं या नहीं है रिप्लाई आ रहा है नेगेटिव में आप समझो कोई भूल गया होगा रिप्लाई करने का फिर प्रॉब्लम है ना मतलब ज्यादा कंक्लूसिव नहीं मिलता है मोर ऑफ वॉट परसुएसिव सो अगेन दिस इज वॉट वन ऑफ दी एमसीक्यू और ट्रू एंड फॉल्स अरे बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको पूछा जाएगा इन वॉट एमसी या आपको पूछा जाएगा इन ट्रू एंड फॉल्स ट्रू एंड फेयर नहीं ट्रू एंड फॉल्स लिख दे तो, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो ट्रू एंड फॉल्स राइट सो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट प्रोवाइड विच टाइप ऑफ एविडेंस परसुएसिव और कंक्लूसिव सो आंसर इज इजुसिव जी दोस्तों

कि क्या वो अपने को रेलेवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करता है या नहीं करता है दैट्स इट बच्चों खत्म हो गया अपना एसे नंबर फाइव जीरो थी कहानी एकदम वेरी सिंपल यस चलो सो so अब अपना एसे नंबर फाइव जीरो फाइव खत्म हो गया तो अब हम स्टार्ट करेंगे एसे नंबर फाइव वन जीरो फाइव वन जीरो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एसे ध्यान से सुनिएगा फाइव वन जीरो फाइव हंड्रेड सीरीज तो बात करता है अबाउट वॉट ऑडिट एविडेंस अब ये वन यू रीड इट दिस एज वॉट हम लोग कहेंगे आई फॉर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ठीक है इसको कहेंगे अपन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट एंड ये ओ मतलब क्या होगा ओ ओपनिंग बैलेंसेस बहुत सही सो so, यहां पर एस ए फाइव वन जीरो किसके बारे में बात करता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस राइट एकदम सिंपल सी बात है इसके अंदर बहुत ही मस्त स्टैंडर्ड है ये मजा आएगा पढ़ने के लिए सो so, आइए इसको समझते हैं सो वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट एस ए नंबर फाइव वन जीरो क्या बोला था इसका नाम अपन ने इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट बोलो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट जिसमें हमें क्या देखना है सो वी टॉक अबाउट ओपनिंग बैलेंसेस सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वेन यू आर कंडक्टिंग दी ऑडिट बराबर सो आप क्या करते हो ऑडिट इज परफॉर्म्ड ऑन वॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके अंदर वॉट वी सी इज बैलेंस शीट जो है ना इसके जो आइटम्स आते हैं बैलेंस शीट के जो आइटम्स आते हैं या इसके जो फिगर्स होते हैं ये कैसे बनते हैं ईयर एंड के कैसे आते हैं तो सर इट इज ओपनिंग बैलेंसेस प्लस ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर गिव्स अस व्हाट क्लोजिंग बैलेंस सही है तो हम लोग क्या करते हैं अपना जो ओपिनियन होता है ना हमारा ओपिनियन जो होता है वो इस साल के क्लोजिंग बैलेंस पे होता है इस क्लोजिंग बैलेंस को उसकी ट्रुथ एंड फेयरनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं जो भी ट्रांजैक्शंस ज टेकन प्लेस ड्यूरिंग दर हम लोग इन ट्रांजेक्शन के ऊपर अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं बराबर यह बात तो सही क्योंकि सर ये साल के दौरान हो गया यह अपना क्लोजिंग बैलेंस है इसके ऊपर अपने को ओपिनियन देना है बट अब बचा क्या सो so अपना अब बचता है ओपनिंग बैलेंस अब आप सोचो दोस्तों अगर मैं इन ओपनिंग बैलेंस को ही अगर वेरीफाई ना करूं और अगर यह ओपनिंग बैलेंस में अगर मिस स्टेटमेंट आ गया इफ द ओपनिंग बैलेंस इज कंटेन मिस स्टेटमेंट एंड इवन दो ऑन परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर एंड आई फाइंड दीज ट्रांजैक्शंस टू बी फेयर

ओपनिंग तो लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग बैलेंसेज है वो करेक्टली अपन ने उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया है या नहीं आई बात समझ में उसके बाद जो हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करते हैं क्या वो अकाउंटिंग पॉलिसीज लास्ट ईयर के हिसाब से कंसिस्टेंटली आपने अप्लाई किया है या नहीं वेदर इट इज कंसिस्टेंटली अप्लाइड अपने को ये दो बातें चेक आई बात समझ में इस स्टैंडर्ड का आप थीम समझिएगा क्या लिखा हुआ है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस में वी परफॉर्म आर ऑडिट ऑन व्हाट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स राइट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट एंड ऑब्वियसली स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक So, ये जो बैलेंस शीट में जो अपना ओपनिंग बैलेंस है उसके क्लोजिंग बैलेंसेस कैसे आते हैं बैलेंस शीट के अंदर सो so, ये क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं बाय वे ऑफ व्हाट ओपनिंग ट्रांजैक्शंस, देन ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द पीरियड एंड देन वी गेट व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ओपिनियन देना है क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर उसके लिए वेरीफाई करते हैं ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द पीरियड बट अगर ओपनिंग बैलेंस कोई चेक ना करे तो प्रॉब्लम हो जाएगी सही है ना तो इसीलिए व्हाट वी डू इज वी चेक द ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग दर ऑल्सो वॉट डू वी डू वी चेक द ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग दर ऑल्सो एज वेल एज दिंग ऑल्सो ओपनिंग बैलेंस में क्या देखना है जो लास्ट ईयर के फिगर है लास्ट ईयर के फिगर है वो करेक्टली आगे लाए कि नहीं लाए अगर वो गलत आ गए तो प्रॉब्लम एंड जो पॉलिसीज अकाउंटिंग के यूज कर रहे हैं आप वो कंसिस्टेंटली यूज करी के नहीं करी वो आप देखोगे तो ये दो बातें आपको दोस्तों ऐसे नंबर फाइव वन जीरो के अंदर चेक करना है फिर सर इस स्टैंडर्ड के अंदर है क्या सो so ये एक्टिविटी आप कैसे करोगे आप ये एक्टिविटी आप कैसे करोगे बराबर इसके बारे में बात होगी सो हाउ टू डू द वेरिफिकेशन ऑफ द ओपनिंग बैलेंसेस दिस प्रोसीजर इज गिवन अंडर वॉट एस ए नंबर फाइव वन जीरो सिंपल है एकदम एंड फिर ये प्रोसीजर परफॉर्म करके आपने क्या देना है आपका ओपिनियन दे देना है राइट ओके आइए अभी थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड का बैकग्राउंड समझने के बाद स्टैंडर्ड को पढ़ते हैं फिर से देखेंगे इसके अंदर क्या किस तरीके के क्वेश्चंस अपने बन सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट स्कोप ऑफ बैलेंसेस वेन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट इनिशियल मतलब आप उस ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट कर रहे हो ऑडिट तो उस जब स्टार्ट कर रहे हो इनिशियली इन योर ऑडिट एंगेजमेंट सो उस टाइम पे आपको क्या क्या देखना पड़ेगा तो ये ओपनिंग बैलेंस आपको स्टार्ट में ही देखने पड़ेंगे ऐसे नहीं कि बाद में देखेंगे स्टार्ट में ही देख लो अगर इच, अगर ओपनिंग उस कॉन्फिडेंस नहीं है तो पूरा वेरीफाई करके कोई मतलब ही नहीं आपका ओपनिंग गलत है तो क्लोजिंग भी गलत ही होगा इन एडिशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स ओपनिंग बैलेंस विल ऑल्सो इंक्लूड वॉट एक तो आपको ओपनिंग बैलेंस तो देखना ही देखना है, देखने है. डिस्लोजर्स दैट एग्जिस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड द कंटिजेंसी वो भी आपको चेक करना है कि लास्ट ईयर में क्या थी इस साल में ओपनिंग में क्या होगी ऑब्जेक्टिव इन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंस इज टू ऑप्टेन सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट वेदर नंबर वन क्या ओपनिंग बैलेंसेस में कहीं कुछ मिस्टेटमेंट है क्या दैट अफेक्ट द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रू एंड फेयर देने के लिए मटेरियलिटी बहुत जरूरी है एंड नंबर टू पॉलिसीज रिफ्लेक्टेड इन द ओपनिंग बैलेंसेस दे हैव बीन व्हाट कंसिस्टेंटली अप्लाइड तो बच्चों ओपनिंग बैलेंसेस में स्टेटमेंट है क्या नहीं चेक करना है अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई करी या नहीं करी ये आपने को देखना है तो ये दो बातें ऐसे फाइव वन जीरो बात करता है सिंपल है एकदम और अगर उसमें चेंजेस करे हैं आपने कंसिस्टेंटली नहीं है तो चेंजेस है तो क्या वो प्रॉपरली अकाउंटेड एंड एडिक्वेटली प्रेजेंटेड एंड डिस्कलोज है या नहीं है आपको रिपोर्ट करना है ओके okay. सो so जैसे हमने क्या कहा था तो ये इस स्टैंडर्ड का थीम है फिर हमें बस क्या पढ़ना है सर कि ये कैसे चेक करेंगे प्लस मटेरियल ओके सो अब पहले अपन बात करेंगे रिक्वायरमेंट की सो so इसके अंदर ऑडिट प्रोसीजर्स मतलब ये जो प्रोसीजर्स है अपन कैसे करेंगे सो so अपन इसकी यहां पे समरी बनाते रहेंगे फिर ठीक है सो पहले आप अगर देखोगे तो वी टॉक अबाउट ओपनिंग बैलेंसेस आगे जाएंगे अपन तो आप देखेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज फिर आपके ऑडिट रिपोर्ट का क्या था एंड फिर आप कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग एंड देन दिस स्टैंडर्ड इज व्हाट ओवर दिख रहा है आपको बहुत सिंपल है एकदम है ना जी सो so, आओ अच्छे से इसको पढ़ते हैं अब कैसे चेक करेंगे इसको सबसे पहले व्हाट विल डू पहले हाईलाइट कर लेते अंडरलाइन कर लेते फिर अपन लिखेंगे इसको सबसे पहले वी विल रीड द मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑब्वियस बात है अगर मुझे करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ओपनिंग करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ओपनिंग बैलेंसेस मुझे चेक करने हैं तो मुझे क्या करना होगा मुझे प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुझे देखने पड़ेंगे बिकॉज लास्ट ईयर क्लोजिंग विल बिकम्स करंट ईयरस ओपनिंग राइट और ये भी क्या कहता है भैया अगर हो तो क्योंकि जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन uh, का ये फर्स्ट ईयर हो तो सिंपल सी बात है एंड प्री डिस ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन इफ एनी फॉर इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू ओपनिंग बैलेंसिस इंक्लूडिंग डिस्कलोजर्स सो फिर अपन क्या करेंगे वी विल ऑप्टेन द सफिशेंट अप्रोप्रियट ऑडिट एविडेंस वेदर द ओपनिंग बैलेंसिस कंटेन मटेरियल मिसमेंट्स दैट मटेरियल अफेक्ट द करंट कर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सर ये तो ऊपर भी लिखा हुआ था बस अपने को आप क्या करना है ये बाय कैसे करना है सो so, सबसे पहले वो करेक्टली करें, ब्रॉड फॉरवर्ड है या नहीं है कैरी फॉरवर्ड नहीं यूज करेंगे वर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड यूज करेंगे सो so, वो करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड है या नहीं है वेन अप्रोप्रिएट एनी एडजस्टमेंट है ओपनिंग बैलेंस रिफ्लेक्ट द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ओपनिंग बैलेंसेज अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज सर ऐसा लग रहा है ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है हाँ वही तो इसलिए तो पहले थीम दिया ना आपको सो so, ये हो गया ये हो गया बट अब ये वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ये कैसे करना है ये दोनों ये आपको यहां पे बता रहे हैं ठीक है सो वेरी सिंपल है सो आपको क्या लिखना है फर्स्ट पॉइंट परस्यू परस्यू मतलब गो थ्रू तो सिंपल लिखते हैं Pursue copies of last year's financial statements. Okay? Second, evaluating the audit procedures performed in the current period provides evidence relevant to opening balance. इस साल आप कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स कर रहे हो इस साल के ऑडिट प्रोसीजर्स आपको क्या दे रहे हैं इस साल के ऑडिट प्रोसीजर्स आपको दे रहे हैं एविडेंस अबाउट ओपनिंग बैलेंस सर नहीं समझा समझेंगे समझेंगे पहले लिखते हैं इसको ऑडिट प्रोसीजर्स

In the start of the year, where no sales were made, but still money was received. Yato, no purchase was made. बट स्टिल पेमेंट वॉज मेड अब आपको कुछ समझ में आया यहां पे कोई सेल नहीं हुआ था कोई सेल नहीं हुआ फिर भी अरे फिर भी पैसा आया कहा से आया ऑडिट प्रोसेसर परफॉर्म करेंगे अरे कोई खरीदा नहीं माल अभी तक सर बट फिर भी पेमेंट किया ओ कहा से किया क्यों किया सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये दोनों क्या इंडिकेट कर रहे हैं ये दोनों चीजें क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके क्या थे ओपनिंग आपके डेटस थे या कहीं ना कहीं आपके ओपनिंग क्रेडिटर्स थे मतलब आपके ओपनिंग बैलेंसेस थे हा दिस इज हाउ वी कैन गेट द आइडिया अबाउट व्हाट द ओपनिंग बैलेंसेस सिंपल है ना एकदम यस सो बैलेंट ईयर कॉपीज़ पढ़ लो या तो दूसरा इस साल के ऑडिट प्रोसीजर्स गिव्स यू द आइडिया अबाउट एक्सिस्टेंस ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस करेक्ट की था कुछ थर्ड पॉइंट Perform specific audit procedures. What to do? Specific audit procedures to obtain evidence regarding opening balances. Third point specific audit procedures. So, ये बातें आपको करनी है इन रिस्पेक्ट टू व्हाट इन रिस्पेक्ट टू ऑपटेनिंग ऑडिट एविडेंस अबाउट ओपनिंग बैलेंसेस तीन हरकतें करेंगे लास्ट ईयर की कॉपी करंट ईयर के ऑडिट प्रोसीजर्स स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स इसके बाद ये सब करने के बाद ऑडिटर ऑप्टेन एविडेंस ऑडिटर ऑप्टेन्स एविडेंस की हा ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन मटेरियल में तो क्या होगा ऑडिटर दस परफॉर्म सच एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स एज आर अप्रोप्रिएट टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बराबर एंड देन ही विल डू व्हाट इवेल्यूएट दिस एज पर एस ए फोर फिफ्टी फिर आगे देखें कंक्लूजन रिपोर्टिंग में अकाउंटिंग पॉलिसीज में क्या लिखा हुआ है बस चेक करना है कि बाबा वो कंसिस्टेंटली अप्लाई किया या नहीं किया एंड अगर उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो वो प्रॉपरली अकाउंट किया या नहीं किया दैट इज वेरी सिंपल सो यही अपने को देखना है यहां पे कंसिस्टेंसी होनी कोई चेंजेस है तो प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड एंड अकाउंटेड री गुड सो दिस इज वॉट वी स्पोक अबाउट कंसिस्टेंसी एंड ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको दिखता है कि पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे लिखू इधर अच्छे से और एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है इफ Last year's audit report. There was a modification. In the prior period, there was a modification. The auditor shall evaluate the effect of the matter giving rise to modification in respect of the risks of material misstatement on the current period. Last year's audit report. Has modified opinion auditor to consider its effect on current year's financial statements. Sir, what is this now? एग्जाम्पल जैसे लास्ट ईयर स्टॉक वॉज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज हायर ये तो गलत हो गया ना विच एवर इज हायर लोअर होना चाहिए सो इससे मॉडिफाइड ओपिनियन ऑडिटर ने दिया एडवर्स ओपिनियन एडवर्स ओपिनियन दिया बिकॉज ही हैज ईज द एविडेंस एंड ही इज इज सेइंग दैट इट नॉट ट्रू एंड फेयर अब से लास्ट ईयर का वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक सो ये करंट ईयर को अफेक्ट करेगा क्या क्योंकि लास्ट स्टॉक वैल्यूएशन वेर इट इज इन्फ्लेटेड करंट ईर्स ओपनिंग स्टॉक विल आल्सो बी इन्फ्लेटेड इट विल अफेक्ट द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आल्सो सो करंट ईयर अफेक्ट होता है तो अपन ने करंट ईयर का भी ओपिनियन अपना मॉडिफाइड ही देना अनलेस एनटिल इट इज रेक्टिफाइड ऐसी बात है ओके okay. फिर अपन कंक्लूजन देंगे सिंपल सी बात है अगर ऑडिटर इज अनेबल टू ऑप्टेन ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस सो एक्सप्रेस क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर वो ऑपटेन करता है बट वो कहता है कि इट कंटेन स्टेटमेंट एविडेंस पहले मिला नहीं तो अगर मिला और करता है है तो वो क्या देगा तो एडवर्स देगा ये रेगुलर लेक्चर्स में मैंने आपको 700 पढ़ाया ही है पूरा सीरीज तो आपको मालूम होना चाहिए यस आगे सो ये ओपनिंग बैलेंस के लिए एंड कंसिस्टेंसी के लिए सो इफ इट इज नॉट कंसिस्टेंटली अप्लाइड बराबर या तो चेंज है बट इट इज नॉट प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर नॉट प्रॉपरली और एडिकुएटलीस्ड सिंपल सी बात है यू विल क्वालिफाइड और गिवेन एडवर्स ओपिनियन की एविडेंस मिल के ही तो बोल सकते हैं ना मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन द प्रोड ऑडिट रिपोर्ट सो ये आपको वापस सेम फाइव सेवन जीरो फाइव एंड सेवन वन जीरो के हिसाब से सो दिस इज वॉट वी कंप्लीट विथ एस ए नंबर फाइव वन जीरो आपको लिखना है तो आप ये लिख लीजिए दो मिनट आपके पास चलो राइट दिस डाउन फास्ट Chalo, chalo, right fast. chalo chalo write fast then we have to study the next standard that is sa number 520 analytical procedures चलो बच्चों हुआ यस ओके परफेक्ट ओके सो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड दंबर फाइव ट्वेंटी विच टॉक्स अबाउट एनालिटिकल प्रोसीजर्स अब ध्यान से एकदम मन लगा के ये भी स्टैंडर्ड को समझना है बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है ये भी analytical procedures so let's move to our very important standard next what we are studying is analytical procedures ekdam acche se dhyan se suniyega isko किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन अभी एस ए फाइव ट्वेंटी जो बात करता है अबाउट

रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स वॉट इज एनालिटिकल प्रोसीजर इट इज अ स्टडी ऑफ प्लॉजेबल और प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स आई बात समझ में सो so, ये जो दो आइटम्स के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है उसको स्टडी करना इज नथिंग बट वॉट वी टॉक अबाउट इज़ एनालिटिकल प्रोसीजर्स आई बात समझ में सो द रिलेशनशिप बिटवीन द टू आइटम्स डेट बेर अनदर बराबर दैट स्टडी इज कॉल्ड एस वॉट द एनालिटिकल प्रोसीजर्स ये जो रिलेशनशिप अपने को देखना है दिस रिलेशनशिप कैन बी कैसी हो सकता है वो रिलेशनशिप द रिलेशनशिप कैन बी वॉट बिटवीन फाइनेंशियल टू फाइनेंशियल आइटम्स एंड दूसरा इट कैन बी फाइनेंशियल टू नॉन फाइनेंशियल आइटम्स सर इसका मतलब क्या है फाइनेंशियल टू फाइनेंशियल फाइनेंशियल टू नॉन फाइनेंशियल आइटम्स sir what do we mean by this financial to financial matlab let us say when we compare sales with debtors both are included in financial statements right when we compare purchases with very good creditors So, जब ये चीजें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा है सेल्स वी कंपेरिड विथ वॉट से मार्केटिंग सो इसको हम लोग क्या कहते हैं एनालिसिस करना ये इतना इतना है तो वो कितना कितना हो सकता है राइट एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल टू नॉन फाइनेंशियल मतलब क्या हो सकता है टॉक अबाउट सैलरी टू नंबर ऑफ वर्कर्स क्या कह रहे हैं इसको सैलरी टू नंबर ऑफ वर्कर्स या हम लोग कह सकते हैं रेंट टू द एरिया यूज्ड इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट पॉइंट्स

इट इज बेसिकली इट इज एन अटेंशन डायरेक्टिंग प्रोसेस ये क्या है ये इट इज एन अटेंशन डायरेक्टिंग प्रोसेस ये ध्यान आकर्षित करने का तरीका है ये क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर ऐसा ऐसा है अगर फिक्स uh, एसेट्स है तो डेप्रीसिएशन होना बनता है फिक्स एसेट्स है तो रिपेयर में बनता है फिक्स एसेट्स है तो इंश्योरेंस होना बनता है बट जरूरी नहीं है कि एंड मेंटेनेंस हो ही करके जरूरी नहीं है कि आपने इंश्योरेंस लिया ही होगा करके बट आपको वो एरिया में देखना या आपका ध्यान वहां पे वो डायरेक्ट करता है इट गेट्स योर अटेंशन इन टू दैट पर्टिकुलर एरिया सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग इट इज ओनली एन अटेंशन डायरेक्टिंग प्रोसेस बट इट डज नॉट प्रोवाइड बोरेटिव ऑडिट एविडेंस यह आपको हंड्रेड परसेंट गारंटी नहीं देगा बट इट विल जस्ट गिव यू वेर यू आर सपोज टू लुक फॉर इट इज एन अटेंशन डायरेक्ट इन प्रोसेस ये थीम समझ में आए आपको इस स्टैंडर्ड का क्या है बोलो yes no. okay. ये सो ओके फिर सर ये एनालिटिकल प्रोसेस हम लोग कैसे कर सकते हैं, so सो इसके अलग अलग तरीके हैं, रेशियो एनालिसिस है ट्रेंड एनालिसिस है स्ट्रक्चरल मॉडलिंग है So, ये जो सारे ये मेथड्स ये एनालिसिस करने के लिए काम में आते हैं मेथड्स टू डू एनालिसिस दिस आर द डिफरेंट मेथड्स इन विच वी कैन डू व्हाट इज एनालिसिस आई बात समझ में एकदम सिंपल है कहानी So, this is what is SA 520 Analytical Procedures. So, this entire activity will be used by you in what? Planning the audit, in performing the audit, and to provide what? Conclusions. provide what conclusions and then do reporting planning may it will help you to decide nature timing and extent of other audit procedures number one number two it will also help you to understand the entity and also to identify the risk of material mistake क्या है सर देखो जैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं ना तो एनालिटिकल बेसिकली ये ये होना चाहिए वो वो होना चाहिए आपके बिजनेस में सो दिस इज वॉट वी अंडरस्टैंड एंटिटी ये एंटिटी को समझने के लिए काम में आता है साथ ही साथ जब एंटिटी को समझेंगे तो एनालिसिस करके रिस्क भी पता चलेगी ध्यान जाएगा आपका किस जहां होना चाहिए था वैसा वैसा है या नहीं है एंड देन उसके बेसिस पे यू विल डिसाइड नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड प्लानिंग में ये इसका फायदा है आई बात समझ में अब परफॉर्मिंग की बात करें तो परफॉर्मिंग में इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू हेल्प यू टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस

या टेस्ट ऑफ डिटेल्स यूज करना है या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यूज करना है दिस एंटायर थिंग क्या कहेंगे इज अ मैटर ऑफ ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वॉट टू यूज व्हाट नॉट टू यूज करेक्ट है डिपेंड करता है आप क्या चेक करते हो रिस्क कितना है कितना आप टॉलरेट कर सकते हो इस पर आप डिसाइड करोगे एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करना या टेस्ट ऑफ डिटेल्स यूज करना या दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना राइट right? ओके okay. उसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर्स की अगर अपन बात करें इफ यू गो अहेड एंड डिसाइड टू यूज एनालिटिकल प्रोसीजर जिसके ऊपर ये स्टैंडर्ड है so सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो असर्शन आप चेक कर रहे हो उसके लिए वो सूटेबल है या नहीं है जो एरिया आप चेक करने जा रहे हो उसके लिए वो सुटेबल है या नहीं है सर मतलब क्या है सुटेबल है या नहीं है मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन आई टॉक अबाउट असर्शन, सुटेबिलिटी के लिए पहले लिखता हूं इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ असर्शन उस असर्शन को वो सूट करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल कंप्लीटनेस मतलब कंप्लीटनेस के लिए सारे ट्रांजेक्शन पूरे पूरे रिकॉर्ड हुए या नहीं हुए तो ऑब्वियसली एनालिसिस करके मैं देखता हूं कि अगर मैं कंपेयर करता हूं कि इतने नंबर ऑफ वर्कर्स है क्या देखता हूं मैं इतने नंबर ऑफ वर्कर्स है और उनकी कितनी सैलरी पे हुई है मुझे लगता है कि सैलरी ज्यादा हुई है या कम हुई है आई विल डू वॉट दैट एनालिसिस एंड बेसिकली आई विल ब्रिंग माई अटेंशन ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया आई विल ब्रिंग माई अटेंशन ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया सो फिर मुझे दिखेगा कि वो कंप्लीटली रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है एंड दिस इज हाउ आई कैन वेरीफाई द असर्शन ऑफ कंप्लीटनेस तो मैं कह सकता हूं कि हाँ मैं एनालिटिकल प्रोसीजर क्या कर सकता हूं मैं यूज कर सकता हूं बट फिर आप समझने की कोशिश करो मैं एनालिटिकल प्रोसीजर यूज भी कर लूंगा सेकेंड मेरे को देखना है रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी ऑफ वॉट सो रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा मतलब ये जो मुझे मिला है ना नंबर ऑफ वर्कर्स बराबर उनको कितनी सैलरी पे करी है? ये जो डेटा मेरे पास आया है वो डेटा होना चाहिए कैसा रिलायबल सिंपल सी बात है वो एरिया में एनालिटिकल प्रोसीजर सूट होता है बट जिसके बेसिस पे मैं एनालिटिकल प्रोसीजर करने वाला हूं वो डेटा भी तो रिलायबल होना चाहिए ना बच्चों सिंपल सो ये रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा डिपेंड्स अपॉन वॉट द सोर्स कि ये डेटा कहां से आया है बराबर के नहीं इट डिपेंड्स अपॉन वॉट द कंपेरेबिलिटी बराबर के नहीं तो ये सारी बातें मुझे देखनी है द सोर्स द कंपेरेबिलिटी दैट विल डिसाइड अबाउट वॉट द रिलाएबिलिटी सो मैंने एनलिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है तो आई है सुटेबिलिटी आई है रिलायबिलिटी राइट उसके बाद आगे बढ़ू तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है अब डेटा मान लो सूटेबल है रिलायबल है तो अब कहानी आगे बढ़ते हैं, तो अब मैं क्या करता हूं एनालिटिकल प्रोसीजर करने के लिए मुझे एक्सपेक्टेशन डेवलप करनी पड़ेगी कि मेरे हिसाब से वो क्या रिजल्ट हो सकता है कि कितनी सैलरी आनी चाहिए कितनी सैलरी आनी चाहिए वो मैं एक्सपेक्टेशन एक डेवलप करूंगा कि अच्छा इतने इतने नंबर है ना तो कितनी कितनी सैलरी आनी चाहिए और ये जो आप एक्सपेक्टेशन डेवलप करोगे ना ये कैसा होना चाहिए एक्सपेक्टेशन दिस शुड बी प्रिसाइज ज्यादा उम्मीद मत कर लेना एकदम एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए रीजनेबल होना चाहिए इट शुड बी वॉट प्रिसाइज एंड देन वॉट यू डू यू स्टार्ट एनालिटिकल प्रोसीजर एंड देन यू गेट वॉट इज द रिजल्ट एंड अगर इसमें फिर डिफरेंस मिला तो आपको क्या करना है then you go ahead and do what? do the investigation. that is you carry out what, the test of details. and fair conclusion may. it gives auditor that information.

गो थ्रू करते हैं अपन ऐसे 520 को एकदम छोटू सा है उससे बड़ा तो अपना चार्ट है वाओ सो ऐसे 520 डील्स विथ व्हाट एनालिटिकल प्रोसीजर्स एज अ सबस्टेंटिव प्रोसीजर विच वाज डिस्कस्ड अंडर एसए नंबर 315 एंड 330 क्योंकि वो रिस्क को पहले असेस करेगा उसके बेसिस पे रिस्क को, को रिस्पॉन्ड करेगा ऑब्जेक्टिव इज टू ऑप्टेन ऑडिट एविडेंस

Source comparability, nature, and relevance. You develop the expectation that should be precise. And then any difference, what you have to do is you have to carry out further investigation. Awesome, sir. Next we go ahead, analytical procedure assist in forming overall conclusion. Right? Near the end of the audit, it assists the auditor to check whether the information which he has obtained and what he had in mind was consistent. एंड उसको फिर अपने इन्वेस्टिगेशन कैसा करना इंक्वायरी करना मैनेजमेंट से एंड परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर इज टेस्ट ऑफ डिटेल्स सिंपल ओवर एस 520 फाइव ट्वेंटी एनालिटिकल प्रोसीजर्स इजी कमेंट्स में लिखना आपको ये चार्ट कैसा लगा चलिए दर्शकों चार्ट को नोट डाउन कीजिएगा देन वील गो अहेड देखते कितना समय बचता है उसके हिसाब से पहले ये आप लिख तो लो Shall right write fast? को एकदम डिटेल में पढ़ना अच्छे से जो भी एम सी क्यूज बनते हैं राइट right? वो आप uh, को तो बता दिया है मैंने कैसे पढ़ना है आपको चलो लास्ट थर्टी सेकेंड्स ओके चले एंड नाउ वी स्टार्ट विद एस नंबर 530 वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स अगेन दैट इज सैपलिंग ऑडिट सैंपलिंग एस नंबर 530 थर्टी एकदम आराम से इसको प्यार से समझना है इसको पूरे पूरे स्टैंडर्ड को एंड फिर उसके बाद आज के लिए हम लोग क्लोज कर देंगे ओके सो दे नेक्स्ट सेशन जो अपना होगा 540, 550, 560, 570, 580, बचे हुए पांच स्टैंडर्ड्स 500 की के सीरीज में वो हम लोग करेंगे एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वेरी बिग स्टैंडर्ड्स सो मजा आएगा उसको पढ़ने के लिए भी ओके सो अस स्टार्ट विथ द लास्ट स्टैंडर्ड फॉर टुडे दैट इज़ एस नंबर 530 रेडी गाइस यस तो शुरू करते हैं ऐसे नंबर ऐसे नंबर फाइव थर्टी सैंपलिंग के बारे में ओके एक सेकेंड ओके लेट्स हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझेंगे एस 530 फाइव थर्टी जो बात करता है अबाउट ऑडिट सैंपलिंग एकदम इसका सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं ऑडिट सैंपलिंग का ट्राई टू अंडरस्टैंड जैसे आपके सामने यहां पे अगर ये केक है मान लो इट्स अ स्ट्रॉबेरी केक वाओ जो भी तुम्हारा फेवरेट है वो ले लो या तो स्ट्रॉबेरी विथ चेरीज बराबर सो दिस इज वॉट यू हैव द केक सो ये केक है आपके सो so, आप क्या करते हो इस केक में का एक बाइट आप खा लेते हो ठीक है यू टेक दिस पीस ऑफ केक और जब ये पीस ऑफ केक आप खा जाते हो तो आप क्या बोलते हो ये पीस बहुत टेस्टी है या ये केक बहुत टेस्टी है ऑब्वियसली आप ये पीस ऑफ केक खाने के बाद आप बोलते हो सर केक इज वेरी टेस्टी क्या बोलते हो आप द केक इज टेस्टी सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो पीस है यहां पे, बराबर ये जो पीस है यहां पे, इसे हम लोग कहते हैं इस पूरे केक में का सैंपल और ये जो केक है यहां पे, इसे हम लोग कहते हैं अपना क्या पॉपुलेशन So, हम लोग क्या करते हैं हम लोग सैंपल को टेस्ट करते हैं टेस्ट नहीं अब ऑडिट की बात कर हम लोग सैंपल को टेस्ट करते हैं और फिर उस सैंपल के बेसिस पे पूरे पॉपुलेशन के ऊपर हम लोग क्या देते हैं अपना ओपिनियन बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू ईट द एंटायर केक को समझना ऑडिट से लिंक करना उसको It is not possible for us to eat the entire cake, that is to check the entire population. Because population large complicated, bohat sari chize osakya oskyander. So what we do is simply we check a particular sample from that population and then we give the opinion on that particular population. So this is what is the entire theme which is being made to us understand under essay. फाइव थर्टी ऑडिट सैंपलिंग सिंपल है सो so, एक चीज आपको इस पूरे एग्जाम्पल से आपको ध्यान में रखना है कि वी आर एक्सप्रेसिंग दी ओपिनियन ऑन पॉपुलेशन बाय टेस्टिंग द सैंपल राइट ओके आगे बढ़ते हैं फिर यहां से सो so, सर अभी हम लोग को सैंपलिंग करना कैसे लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैरी आउट दिस सैंपलिंग ठीक है सो so, जब हम लोग सैंपलिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले व्हाट वी नीड टू नो इज ऑब्जेक्टिव क्या मालूम होना चाहिए अपने को ऑब्जेक्टिव गोल कि हम लोग क्या चेक करना चाह रहे हैं व्हाट इज ऑब्जेक्टिव दैट इज हम लोग को कोई मिस स्टेटमेंट ढूंढना है या हम लोग को कोई डेविएशन ढूंढना है क्या है बच्चों मिस स्टेटमेंट्स यूजली हम लोग को ट्रांजेक्शन में दिखते हैं और डेविएशन हम लोग को यूजुअली कंट्रोल्स में दिखता है जब भी हम लोग टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म करते हैं सो so हमें मिलता है क्या मिस स्टेटमेंट्स एंड जब हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हैं हमें मिलता है क्या डेविएशन सो द इंपॉर्टेंट थिंग ओवर इज यू नीड टू नो योर ऑब्जेक्टिव जब आपको आपका ऑब्जेक्टिव पता चल जाएगा कि हम लोग को क्या ढूंढना है वॉट वी आर लुकिंग फॉर हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास कौन सा पॉपुलेशन है कि ये ऑब्जेक्टिव हमें कहा मिलेगा वो जहां मिलेगा वो अपना जहां होगा मतलब पॉपुलेशन राइट right. सो so, हम लोग क्या करेंगे वी विल सिलेक्ट द पॉपुलेशन दैट इज सुटेड टू द ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या करेंगे हम लोग ऐसे पॉपुलेशन को सिलेक्ट करेंगे विच इज सुटेड टू दी ऑब्जेक्टिव आई बात समझ में सो दैट इज हाउ द पॉपुलेशन देखो हम लोग को सैंपल चाहिए बट ट्राई टू अंडरस्टैंड डायरेक्ट सैंपल पे नहीं आ सकते पहले अपने को ऑब्जेक्टिव मालूम होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग को मालूम होना चाहिए अपना पॉपुलेशन उसके बाद ये जो पॉपुलेशन है ना इसमें कुछ खास बातें होनी बहुत जरूरी है क्या खास बातें होनी चाहिए सर सो so, पॉपुलेशन अपना जो होना चाहिए ये पॉपुलेशन होना चाहिए कैसा होमोजीनियस इट शुड बिलोंग टू द सेम कैटेगरी पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए होमोजीनियस सेम कैटेगरी का तो आप सैंपल ये कर सकते हो सर ऐसा क्यों ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर इस पीस ऑफ केक में अगर यहां पे आपका पाइनएप्पल है कौन सा पोर्शन है यहाँ पे पाइनएप्पल फिर यहां पे अपना मैंगो फ्लेवर या ब्लैक करंट है बराबर यहां पे अपना लेटस से कोई दूसरा फ्लेवर बराबर सो अगर ऐसे अपना अलग अलग कंबाइंड अगर ये केक होता कि यहां पे क्या था अपना पाइन ले लो यहां पे अपना ब्लैक करंट ले लो यहां पे मैंगो ले लो और यहां पे स्ट्रॉबेरी है मतलब ये मिक्स फ्रूट केक है और फिर आपने इसमें से ये एक पीस आपने खाया मैंगो वाला मैंगो वाला पीस आपने खाया सो कैन यू टेल दैट द पीस ऑफ केक इज टेस्टी और द केक इज टेस्टी सर उस टाइम पे वी नॉट से दैट द केक इज टेस्टी क्योंकि सर मेरे को नहीं मालूम ना पाइनएप्पल का टेस्ट कैसा होगा सो आई कैनॉट कमेंट ऑन एंटायर केक सेम वे में अपना पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए होमोजिनियस होना चाहिए तब जाके हम लोग उस पॉपुलेशन पे ओपिनियन दे सकते बेस्ड ऑन सैंपल उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या कहता है आपका जो पॉपुलेशन होना चाहिए बराबर सो so उस पॉपुलेशन में एवरी आइटम शुड हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन एवरी आइटम शुड हैव वॉट इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड नेक्स्ट हम लोग क्या कहते हैं कि यह जो पॉपुलेशन है जिस सिस्टम से प्रोड्यूस हो रहा है सिस्टम प्रोड्यूसिंग द पॉपुलेशन शुड बी रिलायबल सिस्टम प्रोड्यूसिंग दिस पॉपुलेशन शुड बी व्हाट रिलायबल हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर जहां से जो पॉपुलेशन जनरेट हो रहा है अगर वो अकाउंटिंग सिस्टम बोलो या मैकेनिज्म बोलो या रिपोर्टिंग का प्रोसेस बोलो अगर उसमें ही अगर फ्लॉ है तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट रिलाय ऑन दॉपुलेशन इट सेल्फ सैम्पलिंग करके कोई मतलब ही नहीं है राइट सो दिस्टम प्रोड्यूसिंग द पॉपुलेशन शुड भी रिलायबल एंड देन जब अपना पॉपुलेशन फ्रीज हो गया अपने को मिल गया पॉपुलेशन फिर अब हम इस पॉपुलेशन में से क्या निकालेंगे हम लोग सैंपल आई बात समझ में और इसके बारे में अपना स्टैंडर्ड पूरा बात करता है क्लियर एकदम सो फिर हम लोग ये सैंपल को सिलेक्ट करेंगे फिर सैंपल कैसे अपने को सिलेक्ट करना है उसमें क्या क्या आएगा तो फर्स्ट अपन क्या कहते हैं हम लोग को सोचना है सैंपल के साइज के बारे में किसके बारे में सैंपल के साइज के बारे में द साइज ऑफ द सैंपल डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन बड़ा तो सैंपल साइज ज्यादा इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल अच्छे तो सैंपल साइज कम एंड वाइस वर्सा वी टॉक अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलायबल तो सैंपल साइज कम अगर रिलायबिलिटी कम सैंपल साइज ज्यादा फिर हम बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट विच फोकस अपॉन इज द डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस किसके बारे में बात हो रही है डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस एंड उसका ही ऑपोजिट वी टॉक अबाउट इज टॉलरेबल एरर रेंज कहां तक आप गलतियां सहन कर सकते हो सो so एक बात होती है डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस की और दूसरी हम लोग बात करते हैं टॉलरेबल एरर रेंज देखिए आप अगर ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहते हो मतलब आपकी गलतियां सहन करने की क्षमता कम है कम कॉन्फिडेंस चाहिए इसका मतलब गलतियां ज्यादा सहन कर सकते हो ये दोनों ऑपोजिट एक दूसरे के सो so, इसके बेसिस पे आप क्या डिसाइड करते हो द साइज ऑफ योर सैंपल फिर साइज डिसाइड होने के बाद अपन आगे जाते हैं और फिर बात करते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन की मेथड ऑफ सिलेक्शन कौन सी है तो एक है पहले random sampling second we have is the interval sampling third we have is monetary unit sampling and last may we have is the haphazard sampling

दूसरा है क्लस्टर मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग इज ऑल्सो नोन एज वेटेड सैंपलिंग एंड हैपाज़ार्ड सैंपलिंग इज द अनस्ट्रक्चर्ड मेथड ऑफ सैंपलिंग तो एक एक बात को अपन समझते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग जैसे आपने लकी ड्रॉ देखा होगा इट इज वॉट सिंपल रैंडम सैंपलिंग लकी ड्रॉ सेम वे में रैंडमली आप कोई भी वाउचर सिलेक्ट कर लो कोई भी ट्रांजेक्शन आप सिलेक्ट कर लो कंप्यूटर रैंडमली कोई कोड जनरेट करेगा सिलेक्ट कर लो सो so ये जो मेथड है एकदम सिंपल है रैंडमली सिलेक्ट होता है सो so, इसके जो फायदे है फीचर्स क्या है इसके इट इज वेरी सिंपल और इजी टू यूज देर इज नो बायस एंड एवरी आइटम हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन यहां पे आपका पॉपुलेशन में और एक फीचर है This population should be representing, sorry, this sample should be representing the एंटायर पॉपुलेशन ऐसा सैंपल होना चाहिए सो यहां पर इसके एडवांटेजेस क्या है इट इज सिंपल इजी टू यूज नो बास एवरी आइटम एज इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड बट ये मेथड पॉसिबल कब है सो ओनली वेन द पॉपुलेशन इज वॉट होमोजीनियस अगर आपका पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं है तो आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग नहीं यूज कर सकते अगर आपका पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है तो आपको फिर उसे डिवाइड करना होगा डिवाइड इट इनटू ग्रुप ऑफ नोन आइटम्स जिसे हम लोग स्ट्रेटा या स्ट्रेटम कहते हैं एंड फिर इसके अंदर हम लोग रैंडम सैंपलिंग करेंगे थिंग बट कॉल सैम्पलिंग एग्जाम में एमसीक्यू के लिए होमोजी पॉपुलेशन में सिंपल रैंडम हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग इंटरवेल सैंपलिंग एक एन नंबर सिलेक्ट करना उसके बेसिस पे आप सैंपल को सिलेक्ट करते जाओगे मतलब अगर ये पॉपुलेशन है आपका एंड इफ यू

कि मुझे रुपीज टेन थाउजेंड के ऊपर वाले ट्रांजेक्शन चाहिए मुझे रुपीज वन लैक वाले ऊपर के ट्रांजेक्शन चाहिए एनी वैल्युएटेड बेसिकली आप यहाँ पे क्या करते हो आप यहाँ पे फिल्टर लगाते हो मॉनिटरी को वेटेज देते हुए। और हैपाज़ार्ड मतलब सबका मिक्सचर इसके बेसिस पे जो आपने सैंपल को सिलेक्ट किया इस सैंपल को अब आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा इवैल्यूएट करने के दो तरीके हैं। एक है स्टैटिस्टिकल और दूसरा है नॉन स्टैटिस्टिकल ये कैसे डिसाइड होता है बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। अगर आप प्रोबेबिलिटी यूज करते हो तो स्टैटिस्टिकल नहीं करते हो तो नॉन स्टैटिस्टिकल सो जब आप कंप्यूटर की सहायता से प्रोबेबिलिटी यूज करके कि इतने में उतना तो उतने में कितना तो वैसे जब आप इवेल्युएशन चालू है सैंपल का तो उसे हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग बट जब आप, आपका खुद का प्रोफेशनल जजमेंट यूज करते हो सो so, उसे हम लोग कहते हैं नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग विच इज ऑल्सो नोन एज वॉट जजमेंटल सैंपलिंग उसे हम लोग जजमेंटल सैंपलिंग भी कहते हैं एंड फिर ये इवेल्युएट करने के बाद आपने किसको इवेल्युएट किया यहां पे सैंपल कि सैंपल में मिसस्टेटमेंट्स है या नहीं है ठीक है so सो अब आप क्या करेंगे आगे जाके अब आप उन सैंपल के मिसस्टेटमेंट्स को प्रोजेक्ट करेंगे दैट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी टॉक अबाउट इज द प्रोजेक्टिंग ऑफ स्टेटमेंट इतने में उतना तो उतने में कितना यह प्रोजेक्टेडमेंट्स करना क्यों जरूरी है क्योंकि ओपिनियन ऑन द पॉपुलेशन एंड नॉट ऑन सैंपल अपन ने सैंपल में कितनेटमेंट है वो निकाला वी कैनॉट गिव दिनियन ऑन सैंपल वी है ओपिनियन ऑन पॉपुलशन सो वॉट वी डू वी प्रोजेक्ट दोस्टेटमेंट की सैंपल में इतनी गलती आए तो पॉपुलेशन में कितनी होगी इसलिए तो पॉपुलेशन होमोजीनियस चाहिए फिर जब आपके प्रोजेक्टेड मिस्टेटमेंट के बेसिस पे आप इसको कंपेयर करोगे विथ वॉट द टॉलरेबल एरर रेंज और अगर ये प्रोजेक्टेड मिस्टेटमेंट आर ग्रेटर देन टॉलरेबल एरर रेंज या प्रोजेक्टेड मिस्टेटमेंट्स आर इक्वल टू टॉलरेबल एरर रेंज हम यहां पे कहते हैं ये टॉलरेबल एरर रेंज कहां से है सवाल उठा रहे हो आप ऐसे ये पढ़ा था ना आपने टॉलरेबल एरर रेंज कितनी गलती आप सहन कर सकते हो अब आपको प्रोजेक्ट करके मिला ना इतनी गलतियां हो सकती है सो so, आप इसे कंपेयर करोगे एंड देन यू से देर इज एन अनएक्सेप्टेबल सैंपलिंग रिस्क कब जब आपका प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट एक तो ग्रेटर देन टॉलरेबल एर रेंज है या इट इज इक्वल टू टॉलरेबल एर रेंज तब जाके कहेंगे इट इज वॉट अनएक्सेप्टेबल सैम्पलिंग रिस्क सैंपलिंग रिस्क क्या होता है रेगुलर लेक्चर्स में बात हुई है इसकी फिर भी एक बार बता देता हूं जो क्लास में नहीं पढ़े है दूसरों जो बच्चे हैं वो अनएक्सेप्टेबल सैंपलिंग रिस्क सैंपलिंग रिस्क मतलब जो ओपिनियन आप सैंपल के बेसिस पे दोगे और अगर वही ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके अगर आपने पूरे पॉपुलेशन पे ऑडिट किया होता और फिर आप ओपिनियन देते तो सैम्पलिंग के बेसिस पे ओपिनियन और पूरा पॉपुलेशन चेक करने के बाद का जो ओपिनियन दोनों अलग अलग होता ना तो वो अलग अलग होने की संभावना है वो रिस्क इज नथिंग बट कॉल्ड नॉल्ड सैंपलिंग रिस्क तो अनएक्सेप्टेबल है आपको और चेक करना पड़ेगा बट अगर प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट इज लेस देन टॉलरेबल एर रेंज बराबर तो आप आपका ओपिनियन दे सकते हो सो दिस इज वॉट वी टॉक अबाउट बराबर मजाक मजाक में इतना हो गया पढ़ के दिस इज वॉट वी टॉक अबाउट इज द सैंपलिंग कॉन्सेप्ट राइट सो आप ये पूरा पूरा सैम्पलिंग वाला जो पार्ट जो आपको पढ़ाया नोट्स में से आप इसको रीड कर लेना ठीक है So, यहां पे मैं इमेज आपके लिए ये छोड़ता हूं देख लो एक बार फिर मैं लेक्चर ओवर कर रहा हूं जाना है ना आपको इसका फोटो निकाल लो या जो वर्चुअल में देख रहे हैं इसको पॉज करके लिख लेना इसको ओके सो गाइज आई होप आपको आज का लेक्चर मजा आया होगा पढ़ने में सो इट वॉज अ वेरी प्रोडक्टिव सेशन टूडे सो वी कंप्लीटेड विद एस ए नंबर फाइव जीरो हमने पढ़ लिया राइट सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे इट विल बी ऑन एस ए नंबर फाइव थर्टी हो गया ना आज फाइव फोर्टी फाइव फिफ्टी फाइव सिक्सटी फाइव सेवेंटी फाइव एट्टी पांच ए सोर करेंगे राइट सो सी यू गाइज टू मोरू